आप देख रहे हैं TNB। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के पहले किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कितने बड़े कद के मंत्रियों के हटाए जाने की कल्पना होगी या फिर इतने सारे मंत्री एक साथ इस्तीफा देंगे। लेकिन ये तो सबको मालूम है कि वो मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर आश्चर्य को आम बताने का कारण ढूंढा जा रहा है। स्वाभाविक है कि पीएम मोदी ने भी सिर्फ हैरान करने के लिए तो अपनी ही टीम के इतने विकेट नहीं चटका दिए होंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस को परखने में सवा महीने का लंबा वक्त लगाया, फिर जाकर छटनी की लिस्ट तैयार की। मंत्रियों को हटाए जाने के पीछे की वजह लक्ष्य पूरा करने की गति मंद होने से लेकर अपनी नीतियों और राजनीतिक लक्ष्यों से जनता को भरोसे में ले पाने में उनकी विफलता शामिल रही। खासकर कोरोना काल में किस मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा या उनके मंत्रिमंडल में रहने या फिर जाने का एक बड़ा फैक्टर रहा है। पिछले सवा महीने से पीएम मोदी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मिलकर हर मंत्री के परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे थे और सबका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया। बहरहाल अब कहा जा रहा है कितने बड़े चेहरे को कैबिनेट से खारिज किए जाने का मतलब है कि उनके लिए पार्टी संगठन में जगह बनाई जाएगी। तो इनमें सबसे पहले उस मंत्री की हम बात करना चाहेंगे जिसमें कोविड महामारी की दूसरी लहर में देश में मचे हाहाकार ने मोदी सरकार की छवि इतनी धूमिल कर दी कि जितने पहले कभी नहीं हुई। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। पहली बार ऐसा लगा कि मोदी सरकार की निष्क्रियता की वजह से लाखों मौतें हुई। विपक्ष ने बेड और ऑक्सीजन की कमी से लेकर प्रबंधन के मोर्चे पर नाकामी को लेकर खूब हाय तौबा मचाया। ऐसा लगा कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, तब दिल्ली के ही नेता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जरूरत के मुताबिक करारा जवाब नहीं दिया। ऐसे में केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं यह जताने में कामयाब रही कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का एकमात्र जिम्मेदार केंद्र सरकार है, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। इनमें दूसरा नंबर आता है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। रविशंकर प्रसाद के पास कानून और सूचना प्रौद्योगिकी का दो महत्वपूर्ण मंत्रालय था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की। ट्विटर ने देश के नए IT कानून के तहत अधिकारियों की अनिवार्य नियुक्ति से आनाकानी की। एक तरफ ट्विटर कोर्ट चला गया तो दूसरी तरफ उसने खुद कानून मंत्री का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था। हालांकि कुछ देर में ही प्रसाद का ट्विटर अकाउंट फिर से एक्टिव किया गया था, लेकिन इस बीच जो संदेश जाना चाहिए था वो चला गया। संदेश यह कि एक अमेरिकी कंपनी ट्विटर भारत सरकार को कभी भी आंख दिखा सकती है। स्वाभाविक है कि अपने इकबाल के लिए जाने जाने वाले मोदी सरकार की छवि को इस घटनाक्रम में गहरी चोट पहुंचाई। रविशंकर प्रसाद को मोदी सरकार में कितना महत्व दिया गया था इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अक्सर नीतिगत और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा करते थे। लेकिन IT मिनिस्टर के रूप में टेलीकॉम सेक्टर की लंबित समस्याओं का टिकाऊ हल निकालने और भारत नेट प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ा पाने में नाकामी ने उनका विकेट डाउन करा दिया। इनमें तीसरा नंबर आता है मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का। मुख्य रूप से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मंत्री पद इन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें COVID-19 महामारी हुई थी और वो इससे उबरने के बाद भी तरह तरह की परेशानियों से गुजर रहे थे। उन्हें ठीक होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उनके कार्यकाल में नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तो जरूर आ गई, लेकिन स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बदलाव के मोर्चे पर वो तेजी नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ध्यान रहे कि मोदी सरकार ने बड़े सुधार वाले क्षेत्र में शिक्षा को भी शामिल कर रखा है। हद तो यह हो गई कि मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से वित्तीय सहायता प्राप्त पत्रिकाओं में ही पीएम मोदी के खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, लेकिन उन्हें लंबे समय तक भनक तक नहीं लगी और जब इसका पता भी चला तो तुरंत इस पर एक्शन नहीं ले पाए। और बात करेंगे सूचना प्रसारण मंत्री की। सरकार के प्रवक्ता होने के नाते जावड़ेकर और उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वह कोरोना काल में सरकार की इमेज सही करने के लिए कदम उठाएं, लेकिन उनका मंत्रालय इसमें असफल रहा। देशी मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया में भी सरकार की खूब किरकिरी हुई और सीधे पीएम मोदी की इमेज पर इसका असर पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर की उम्र भी उनके हटने की एक वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में वह 70 साल के हो चुके हैं। और अब बारी आती है रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा का। सदानंद गौड़ा का टीम मोदी से निष्कासन की कई वजह है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान जरूरी दवाइयों की आपूर्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। रेमडेसिविर के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लग गई। वहीं कर्नाटक BJP को अंदरूनी कलह भी गौड़ा की विदाई की वजह बनी।
वहां मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के खिलाफ एक धड़े ने मोर्चा खोल रखा है। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के निवासी के रूप में गौड़ा की अपेक्षा थी कि वो अपने प्रभाव के इस्तेमाल से प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को खत्म कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से मंत्री के रूप में उनका कामकाज भी बहुत संतोषजनक नहीं रहा। ऐसे में उन्हें हटाकर कर्नाटक से शोभा करंदलाजे को मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। और अब बारी आती है श्रम मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले गंगवार। जी हां, गंगवार बतौर श्रम मंत्री कोविड काल में पलायन कर रहे श्रमिकों का उचित ख्याल नहीं रख पाए। इन श्रमिकों की मदद के लिए एक पोर्टल बनाने का ऐलान भी किया गया था, जो आज तक लॉन्च नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नाराजगी जता चुका है। एक तरफ कामकाज के मोर्चे पर मायूसी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से नाराज थे कि जब कोविड-19 की दूसरी लहरों में चारों ओर त्राही त्राही मच रही थी, तब पार्टी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन संतोष गंगवार ने इसके उलट अपने ही मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने योगी को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश में कोविड के कुप्रबंधन का आरोप लगाया। गंगवार बतौर मंत्री भी वो अपने कामकाज से कुछ खास छाप छोड़ने में कामयाब नहीं रहे। संजय धोत्रे मानव संसाधन मंत्रालय में ही राज्य मंत्री थे। स्वाभाविक है कि मंत्रालय से प्रधानमंत्री की नाराजगी में वो भी निपट गए। उधर प्रताप सारंगी, बाबल सुप्रियो, रतनलाल कटारिया, देवाश्री चौधरी जैसे मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ गिना नहीं सके। स्वाभाविक है कि मोदी ऐसे मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पीएम मोदी ने यह माना कि इन सभी ने बतौर मंत्री मिले महत्वपूर्ण अवसर का फायदा नहीं उठाया और समाज में बदलाव को लेकर गंभीरता भी नहीं दिखाई। बाबुल सुप्रियो तो बंगाल का विधानसभा चुनाव तक नहीं जीत पाए। बंगाल में कुछ यही हाल देवाश्री चौधरी का भी रहा। यही वजह है कि इन दोनों को हटाकर बंगाल से चार नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। बहरहाल थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर मोदी कैबिनेट ने सम्मानजनक विदाई दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।